हेलो गाइज, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया ही होंगे। तो दोस्तों, आज हम फिर से रामदेवरा जा रहे हैं। अभी सावन खत्म हुआ है, भादुआ स्टार्ट हुआ है। तो भादुआ के अंदर रामदेव बाबा रामदेव जी का रुनेचा में बहुत ही विशाल मेला लगता है। वो होता है चानन पंखा में, मतलब कि ये उमाउस के बाद होगा, पर उस टाइम मंदिर बंद करने की सूचना आ रही है। अभी उस टाइम मंदिर बंद हो जाएगा, तो हम अभी जा रहे हैं और देखेंगे। उस टाइम मंदिर खुला होगा तो उस टाइम फिर से जाएंगे। बाकी अभी जाते हैं, मत्था टेक आते हैं। बाद में कहीं मंदिर बंद हो गया और फिर दर्शन नहीं कर पाएंगे, तो जाना भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे हम हर बार जाते हैं, तो इस बार भी जाएंगे। अभी देखते हैं, आगे आपको बताएंगे कि वहाँ मंदिर आगे खुला रहेगा या बंद हो जाएगा। जो भी होगा आपको वहाँ पे जाके पता करके बताते हैं। फिलहाल अभी हम घर पे हैं और सब आज फैमिली के साथ, तीन चार फ्रेंड सब अपनी फैमिली के साथ रामदेवरा जा रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं आगे आपको सीधा गाड़ी के अंदर। गाइज, अभी रामदेवरा पहुंच चुके हैं और ये आप देख रहे हो कि वीडियो इसे कैसे बन रही है। तो हम बता दें कि गाड़ी के बैक सीट पे बैठे हैं, तो ये बैक मिरर से वीडियो बना रहे हैं। अगर फ्रंट में होते तो वीडियो आगे का दिखाई देता। अभी हम रामदेवरा प्रांगण में पहुंच चुके हैं और ये मार्केट के हाल देखिए। यहाँ पे आके लग रहा है कुछ मेले में आए हैं। यहाँ पे भीड़ ठीक ठाक है। आगे देखते हैं कितनी भीड़ है और आपको भी बताते हैं सब जानकारी इस मेले के बारे में। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेला कब तक लगने वाला है, मंदिर बंद होगा या नहीं होगा, ये सब आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के लास्ट तक। यहाँ रामदेवरा में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, यहाँ दुकानों की सजावट बहुत ही शानदार की गई है। ये मंदिर से थोड़ी दूर पहले लाइन स्टार्ट होगी। ये थोड़ी दूर है, कितना बताएं कि 1 बीघा, कितनी दूर पहले लाइन स्टार्ट होगी। ये सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, जो भीड़ थी, लाइन थी, वो मंदिर के बाहर ही थी। यहाँ पे जो ये बनी हुई स्लाइडिंग थी, ये बिल्कुल खाली ही है, इनमें कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, बिल्कुल खाली है। देखिए आपके सामने, यहाँ पे शायद ऐसा लग रहा है कि दर्शन 5-7 मिनट ज़्यादा से मिनट लगेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दर्शन हो जाएंगे बाबा जी के। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लाइनें बिल्कुल खाली है। गए जब बाबा जी के दर्शन कर लिए थे, अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए। और ये सरोवर में पानी काफ़ी ज़्यादा है वैसे तो, पर पिछली बार आए थे उससे पानी का लेवल थोड़ा कम है। और ये किस्ती वगैरह यहाँ पे चल रही है, बोटिंग कर सकते हो। ये शायद 20-30 रुपये पर मेंबर ले रहे हैं, पिछली बार हमने की थी पर अब बार बार नहीं करेंगे। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है इस साइड, तो वहाँ पे पीछे बहुत ही कम थी। अभी आ गए हैं रामदेवरा परचा बावड़ी के अंदर, जा रहे हैं। भीड़ बहुत ज़्यादा थी तो वीडियो बना नहीं पाए, थोड़ी बहुत ही वीडियो बनाई थी। अब यहाँ पे आके वापस स्टार्ट किया है, आगे आपको बताएंगे बाद में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, एक और मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। रात हम रामदेवरा से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे, इसलिए वीडियो एंड नहीं कर पाए। और अरमान की तबीयत रात कुछ ख़राब हो गई थी, उल्टी वगैरह आने लगी थी, बुखार भी हो गया था, इसलिए आगे की वीडियो नहीं बना पाई। वहाँ पे खाना वाना वहाँ पे किया था और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे घर आते आते, 11:30-12 बज गए थे, इसलिए वीडियो एंड नहीं की। अब वीडियो एंड करने का टाइम आ गया। और ये देखिए, हमने एक माइक भी मंगा लिया है, इसकी भी टेस्टिंग हो रही है किस प्रकार से आवाज़ आ रही है, क्लियर आ रही है नहीं आ रही है, ये मुझे ज़रूर बताना आगे।
वीडियो देख के। तो दोस्तों रामदेवरा के अंदर इस टाइम का जो सीन है वो ये है कि अभी अमावस तक तो मेला चलेगा रामदेवरा का। उबे अरमान डिस्टर्ब कर रहा है, चलो कोई बात नहीं। उबे वो देख, और ये अरमान कुछ खिलौने लेके आया, आपको दिखाते हैं। ये एक बाइक लेके आया, सुपर बाइक, और ये एक जेसीबी भी लेके आया, ये दिखाता हूँ आपको। और ये एक जेसीबी लेके आया, ये देखिए। तो अपने बात कर रहे थे मेले की, तो उसी की बात करते, उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। मेला अभी अमावस तक चलेगा, अमावस है शायद 5 या 6 तारीख को, तब तक मेला चलेगा। उसके बाद सुनने में यही आया था कि उसके बाद जैसे ही अमावस के बाद एकम आएगी, जो चानन पंख होता है वो स्टार्ट होगा, तो वहाँ से लेके दसवीं तक, दसवीं होती है जो जिस दिन मेला होता है, वहाँ तक मंदिर के दरबार बंद रहेंगे। ये बहुत ही बुरी खबर है, पर कोविड को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया कमेटी द्वारा कि दसवीं तक मंदिर के दरबार बंद रहेंगे, उसके बाद मंदिर के दरबार खुल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप यहाँ रामदेवरा आना चाहते हो और बाबा जी के दर्शन करना चाहते हो तो आप अभी आ जाइए, अभी 5-7 दिन का टाइम बाकी है, अब आ जाइए और वहाँ पे बाबा जी के दर्शन कर सकते हो। तो रात हमने वहाँ पे देखा था, भीड़ तो ठीक ठाक थी। वैसे तो हर दिन जैसे हम जाते हैं उससे तो बहुत ज़्यादा, मतलब 10-15 गुना ज़्यादा भीड़ थी, पर उतनी भीड़ नहीं थी जितनी ये भादर के अंदर जो बाबा रामदेव जी का मेला भरता है उस टाइम होती है, उतनी भीड़ नहीं थी, पर भीड़ वैसे काफ़ी ज़्यादा थी। दर्शन हमारे, हमने लगभग बहुत ही कम टाइम में, मानो तो हमने 5 मिनट के अंदर दर्शन कर लिए थे। लाइन इतनी दौड़ा दौड़ा के निकाल रहे थे कि जल्दी जल्दी दर्शन भी हो गए थे, अच्छे दर्शन कर लिए। वहाँ पे वीडियो बना अलाउ नहीं था तो वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाए। मार्केट का थोड़ा बहुत वीडियो बनाया था, उसके बाद हम पोखरण चले गए, वहाँ पे खाना वाना खाए और उसके बाद घर वापस आ गए थे। टूट गई कोई जोड़ा तो। और एक और बता दूँ, वहाँ पे प्रसाद अलाउड नहीं है, आपको प्रसाद वहाँ पे लेके नहीं जाने दिया जाएगा, प्रसाद आपको बाहर ही रखना होगा। तो इसलिए आप अपने आप से सोच लीजिए प्रसाद लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। मंदिर के अंदर आपको नहीं लेके जाने दिया जाएगा, प्रसाद आपको बाहर ही रखना होगा। तो दोस्तों अभी आप दर्शन करना चाहते हो तो 5-7 दिन तक आ सकते हो, लगभग 6 तारीख तक आ सकते हो, उसके बाद मंदिर बंद हो जाएगा 10 दिन के लिए। और अरमान का खाना आ गया है, हाँ ये रोटी। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ इस माइक की टेस्टिंग ज़रूर बताना कि आवाज़ कैसी आ रही है। चलो दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर कर देना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।